भारत की प्रथम रीजनल रेल दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के मेरठ भैंसाली स्टेशन के भूमिगत मार्ग की खुदाई के कार्य का शुभारंभ सांसद राजेंद्र अग्रवाल, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. सुमेंद्र तोमर और कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने किया। भारत सरकार का रैपिड रेल ड्रीम प्रोजेक्ट है। दिल्ली मेरठ जाने वाली रैपिड रेल सिर्फ 60 मिनट में आपको दिल्ली पहुंचा देगी। ये ट्रेन पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। ये ट्रेन मेट्रो रेल का मिक्सचर है। मेरठ के भैंसाली स्टेशन के भूमिगत मार्ग की खुदाई कार्य के शुभारंभ अवसर पर सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि कोरोना काल में भी रैपिड का कार्य बहुत तेजी से चला है। इसे देखते हुए लगता है कि 24 की जगह 2023 में रैपिड रेल दौड़ने लगेगी और मेरठ से दिल्ली के लिए उद्योग के नए रास्ते खुलेंगे और विकास की गंगा बहेगी। वहीं इस अवसर पर ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. सुमेंद्र तोमर ने कहा कि मेरठ भी प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। रैपिड रेल आने से निश्चय ही उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, जिनके कारण मेरठ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है, आप देख रहे हैं कि 2017 के बाद जिस तेजी के साथ मेरठ आगे बढ़ा है, माननीय सांसद जी ने चाहे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे हो, हम लोग रैपिड की बात करें तो देख रहे हैं कि चारों तरफ मेरठ का विकास हो रहा है और पार्टी के मेरठ के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं अपने केंद्र सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगा।